जसप्रीत बुमराह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। जसप्रीत ने जनवरी 2016 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। जसप्रीत बुमराह लगातार 140 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, जिससे जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कई कारनामे देश के लिए किए हैं, तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के साथ। जसप्रीत सिंह बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1996 अहमदाबाद गुजरात भारत में हुआ। इनके पिता का नाम जसबीर सिंह है और इनकी माता का नाम दलजीत सिंह है और इनकी बहन का नाम जुहिका बुमराह है और इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो है अहमदाबाद गुजरात भारत। जाति और धर्म से जसप्रीत एक इंडियन यानी एक भारतीय हैं। जसप्रीत बुमराह दाएं हाथ के बैटर यानी बल्लेबाज है और दाएं हाथ के बॉलर यानी गेंदबाज है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर यानी गेंदबाजी की है और जसप्रीत बुमराह की जर्सी नंबर यानी शर्ट नंबर है 93 यानी 93। जसप्रीत बुमराह की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 8। इन्होंने अपना पहला T20I मैच 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और ODI में इनकी कैप नंबर है 210। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 23 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और टेस्ट मैच में इनकी कैप नंबर है 290। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 6 जनवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला और जसप्रीत बुमराह डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2012 से गुजरात टीम से और 2013 से मुंबई इंडियंस IPL से खेलते हैं और इनके कोच का नाम है किशोर त्रिवेदी। जसप्रीत बुमराह सिर्फ 5 साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता के निधन के बाद इनकी माँ दलजीत बुमराह ने इनका पालन पोषण किया। जसप्रीत की माँ एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी और उनके मिलने वाले वेतन से ही अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद के एक निजी स्कूल में की। इसके बाद इन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई भी अहमदाबाद से ही पूरी की। बुमराह को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और इनके कोच किशोर त्रिवेदी ने बुमराह को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराया और फिर गुजरात अंडर 19 टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। बुमराह को 2012-2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ T20 डेब्यू करने का मौका मिला, जहां तेज गेंदबाज बुमराह ने गेंदबाजी के दम पर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। पंजाब के खिलाफ फाइनल में बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट की थोड़ी मदद से गुजरात ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। कोच जॉन राइट ने जसप्रीत बुमराह को 2013 में मुंबई इंडियंस IPL में शामिल किया, जहां बुमराह अभी तक कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। घरेलू प्रदर्शन ने भारतीय चयनकर्ताओं की निगाहें इनकी तरफ खींची और इन्हें 2016 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे में उचित रूप से बुलाया गया। अपने पदार्पण पर बुमराह ने 40 रन देकर 2 विकेट के आंकड़ों के साथ स्टीव स्मिथ और जेम्स फॉकनर का विकेट लिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कैरियर में अपने पहले साल में 48 विकेट लेकर भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। बुमराह टेस्ट हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय हैं। जसप्रीत बुमराह 2018-2019 कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। बुमराह का पहला IPL विकेट विराट कोहली हैं और पहला टेस्ट विकेट AB डिविलियर्स हैं और पहला वनडे विकेट स्टीव स्मिथ हैं और पहला T20I विकेट डेविड वार्नर हैं। ये सारे के सारे दिग्गज क्रिकेटर हैं। जसप्रीत बुमराह को BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2018-2019 के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया गया। हम जसप्रीत बुमराह के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। वो देश के लिए ऐसी क्रिकेट खेलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।